जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सिलसिला शुरू किया गया है, कुछ मसाइल इसी तरह इस्लामिक बयान दोनों नाम से एक सिलसिला चल रहा है, जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, जो आप हजरात कमेंट्स के जरिए या फिर जो है ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप वगैरह पे जो करते हैं, वही सवालात के जवाबात यहाँ दिए जाते हैं। और इस बार मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं पाऊंगा जो मैं अपने तरफ से बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोगों के सवालात इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनमें से चंद सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। ये जो है पार्ट नंबर 9 है, इस्लामिक बयान पार्ट नंबर 9 या कुछ मसाइल पार्ट नंबर 9 के नाम से आप इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। अब्दुल अहद, इनका सवाल है कि 4 रकात तरावी के बाद कितनी देर बैठना चाहिए। याद रहे, 4 रकात तरावी की नमाज जो पढ़ के बैठते हैं उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जो भी आपके लिए आसानी हो। अगर आप इमाम हैं, मुक्तदी जितना देर चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट बैठना, जो भी वहां मुनासिब हो उसी एतबार से आप बैठिए। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकात के बाद आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा जो है कुछ और काम कर लूं फिर उसके बाद 4 रकात पढ़ूं, तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी वो जो वक्त है, कोई मुकर्रा वक्त नहीं है कि इतना ही देर बैठना है, जो आपके लिए मुनासिब हो आप जितनी देर चाहें उतनी देर वहां आप बैठ सकते हैं। और रहबर हबीब, इनका सवाल है कि तरावी की नियत कैसे करेंगे जब औरत भी जमात में शामिल हो, यानी इमाम कैसे जो है नियत करेगा। जवाब यह है कि अगर औरतें भी शामिल हैं तो इमाम इस तरह नियत करे, मैं औरतों को भी तरावी की नमाज पढ़ा रहा हूं, मैं औरत का भी इमाम हूं, इस तरह दिल में इरादा करे, दिल में यह सोचे कि मेरे पीछे औरतें भी नमाज पढ़ रही हैं, मैं उनका इमाम बन रहा हूं, बस दिल में सोच ले, यही है नियत। अलग से कोई इसका जो है तरीका नहीं है कि इन अल्फाज के साथ अदा करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है दिल में ये इरादा करे कि औरतें मेरे पीछे नमाज पढ़ रही हैं। महजबी, इनका सवाल है कि जुमे के दिन जोहर की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज फर्ज है, यानी जुमे की शराइत पाई जा रही है, तो किसी वजह से आप जो है जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप जमात से जोहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं, ऐसी सूरत में उस जगह पे आपके लिए जोहर की नमाज बाजमात जुमा के दिन अदा करना मकरूह है, गलत है, सही नहीं है, तन्हे तन्हा अदा करें। हाँ, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज होती ही नहीं है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में जुमे की नमाज ही नहीं होती है, आप जो है बिल्कुल मतलब देहात में हैं, आप लोगों पे जो है जुमे की शरायत वहां पाई नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप जुमे की नमाज, जुमे के दिन जो है जोहर की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मोहम्मद मुकीम, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए या 4 रकात। बेहतर और मुनासिब यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ें, 2 रकात पढ़ के सलाम फेरें, 2 रकात पढ़ के सलाम फेरें, इस तरह करते करते मुकम्मल 20 रकात पढ़ें। हाँ, अगर आप 4-4 रकात पढ़ते हैं तो ये जायज है, लेकिन बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसा करना। और नोमान, इनका सवाल है कि हम जोहर की नमाज या जो है असर की नमाज या ईशा की नमाज, यानी जो 4 रकात वाली नमाज है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और उसमें जो है 3री रकात है, 4थी रकात है, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में 3री और 4थी रकात में हम क्या सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरह पढ़ेंगे, क्या मसला है? देखिए, जवाब यह है कि जो फर्ज नमाजें हैं, शुरू की जो 2 रकात होती है उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और एक सूरह भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप 3 रकात वाली नमाज है तो 3री रकात में, 4 रकात वाली नमाज है तो 3री और 4थी रकात में। और ये कब नमाज है? फर्ज नमाज है, सुन्नत नहीं हो, वाजिब नहीं, फर्ज जो है फर्ज नमाज के बारे में कह रहा हूं। इसमें जो आखिर की 3री और 4थी रकात होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह नहीं मिलाएंगे। और मीनो जी, इनका सवाल है कि क्या पीरियड्स में, यानी माहवारी की हालत में जो औरत की तरावी की नमाज छूट जाती है उसके लिए बाद में कजा करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो माफ है। पीरियड्स की हालत में, यानी माहवारी की हालत में, हैज की हालत में जो तरावी की नमाज छूट जाती है वो बिल्कुल माफ है, तरावी की नमाज उसके लिए कोई उसमें जो है मुआखजा नहीं होगा। और शाफिया खान, इनका सवाल है कि किसी औरत की जो है हैज की मुद्दत 7 दिन थी, 7 दिन के बाद जो है वो 10 दिन हो गए, फिर भी जो है अभी माहवारी वो बंद नहीं हुई है, ऐसी सूरत में वो औरत जो है नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है, रोजा भी रखना शुरू कर दी है, तो क्या वो कुरान की तिलावत कर सकती है? याद रखें, आपका जवाब यह है कि बिल्कुल वो जो कर रहे हैं 10 दिन से ज्यादा अगर हो गया है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ऐसी सूरत में उनके लिए कुरान की तिलावत करना बिल्कुल जायज है, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जीशान, इनका सवाल है कि
जमजम से हम इफ्तारी कर सकते हैं या नहीं। याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जमजम था, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी किया करते थे तो खजूर से किया करते थे। खजूर अगर न हो तो फिर अल्लाह के रसूल छुआरे का इस्तेमाल किया करते थे, अगर वो न हो तो फिर पानी का इस्तेमाल करें। इसके रहते हुए आप रोज़ा शुरू करें, यानी रोज़े की जो इफ्तारी शुरू करें वो जो है जमजम से शुरू करें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल के अमल के खिलाफ है। हाँ, इनके इस्तेमाल के बाद जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, उस वक्त आप जमजम का पानी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना यहां पर यह भी याद रहे, उस मौके पे जमजम के पानी के इस्तेमाल की अलग से कोई फजीलत नहीं है, जो उमूमी फजीलत है वही फजीलत वहां पर भी है। मोहम्मद अंसाफ, इनका सवाल है कि कोई इमाम ऐसा है जो हर दो मिनट में तीन मिनट में उसकी रीह खारिज होती है, तो उसके लिए क्या मसला होगा? उसके लिए मसला यह है कि जब वो अकेले नमाज पढ़ेंगे तो अलग मसला है, वो अलग बताऊंगा, लेकिन यहाँ जमात की बात आपने पूछी है इसीलिए जमात के बारे में बता रहा हूँ। वो जो नमाज पढ़ाएंगे उनके पीछे, क्योंकि वो माजूर के हुक्म में आ गए, वो माजूर में दाखिल हो गए, लिहाजा वो किसी गैर माजूर की इमामती नहीं कर सकते। जो माजूर नहीं है, यानी जो अच्छे सही हैं, तंदुरुस्त हैं, जिनको इस तरह की बीमारी नहीं है, उनकी इमामती वो नहीं कर सकते। अगर उनकी इमामती करेंगे ये इमाम साहब जिनके बारे में आप बता रहे हैं, तो फिर उन लोगों की नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर सब के सब माजूर हैं फिर वो इमामती कर रहे हैं तो फिर नमाज हो जाएगी सबकी। जरा इसको समझने की बात है। अपना मीडिया, इनका सवाल है कि डकार आने से, यानी कभी कभी जो है आदमी खाना वगैरह खा लिया है ज्यादा, उसकी वजह से डकार आने लगता है, या फिर उल्टी आ जाए, इससे रोजा टूटेगा या नहीं, क्या मसला है? देखिए, डकार आने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक उल्टी के आने की बात है, ऐसी सूरत में आपको ये देखना है उल्टी खुद ब खुद आई है, यानी खुद से ये कुछ उंगली उंगली जो है हलक वगैरह में डालकर, या कोई चीज हलक में डालकर उल्टी किया नहीं है, यानी खुद से उल्टी आई है, कसदन ये उल्टी नहीं कर रहा है। तो ऐसी सूरत में चाहे उल्टी जितनी मर्तबा हो जाए, चाहे मुंह भर के हो या न हो, किसी भी हाल में इसका रोजा नहीं टूटेगा। जिया अंसारी, इनका सवाल है, क्या हैज में हम किसी नमाजी के बिस्तर पर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, क्या मसला है? याद रखिएगा, औरत जो नापाक रहती है, माहवारी की हालत में रहती है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका पूरा जिस्म नापाक हो गया, ऐसा नहीं है। वो कहीं पर भी बैठ सकती है, उसके बैठ जाने से, उसके किसी जगह पे सो जाने से वो जगह नापाक नहीं होती है। इससे पता चला कि बिल्कुल औरत वहां बैठ सकती है, सो सकती है किसी नमाजी की जगह पे, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है, बिला कराहत। देवदत्त, इनका सवाल है कि क्या तरावी की नमाज को जोहर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये तरावी की नमाज जो है ऐसा की नमाज के बाद ही है, ऐसा की नमाज से पहले भी नहीं पढ़ सकते इस नमाज को। इंसा इस्लाम, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज दोबारा पढ़ना जायज है या नाजायज, क्या मसला है? याद रखिएगा, तरावी की नमाज एक है पढ़ाना, अगर आप एक मरतबा पढ़ चुके हैं तो दूसरों को तरावी की नमाज आप पढ़ा नहीं सकते। जहां तक पढ़ने की बात है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा, कोई बात नहीं है। नूर, इनका सवाल है, क्या थूक निकलने से रोजा टूट जाता है? बिल्कुल नहीं टूटता है भाई, थूक चाहे आप जितनी मर्तबा दिन में थूक निकल लें, इतनी शर्त है थूक अपना ही हो, किसी दूसरे का ना हो, अपना थूक जो मुंह में आता रहता है उसको निगल लेने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निगल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आर आर टच, इनका सवाल है कि इनका घर जो है बहुत छोटा है, एक रूम है और एक साइड में किचन रूम है, कोई आदमी अगर उस रूम में, जो रूम है उसमें बेड पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो दूसरा आदमी अगर वो किचन रूम में बैठकर जो है नीचे कुरान पढ़ रहा है, तो ये जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज है, कोई बात नहीं है, इसलिए कि वो रूम बदल गया, वो जगह, वो महल ही बदल गया, लिहाजा कोई हर्ज नहीं है। जाहिद, इनका सवाल है कि कोई आदमी अगर तरावी कुछ दिन तक अकेला पढ़ा, तन्हे तन्हा पढ़ा, फिर उसके बाद दो चार आदमी मिलकर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई बात नहीं है। मोहम्मद शेर अली, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज जो पढ़ेंगे ये सुन्नत कहकर नियत करेंगे या नफिल कहकर? अगर आप सुन्नत कहकर नियत करते हैं तब भी आपकी तरावी की नमाज हो गई, अगर आप नफिल की जो है इरादे से, नफिल की नियत से ये नमाज पढ़ते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इतना याद रखें, इस चक्कर में आप पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ये कह दें मैं तरावी की नमाज पढ़ रहा हूं, बस आपकी नमाज हो गई, क्योंकि तरावी की नमाज तो सुन्नत ही है, फिर उसमें सुन्नत लगाने की जरूरत क्या है? फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो कुछ भी लगा सकते हैं, सुन्नत हो या नफिल हो, तरावी की नमाज आपकी हो जाएगी। फैजान अनवर, इनका सवाल है कि सलातु तस्बीह की जमात कर सकते हैं या नहीं, सलातु तस्बीह जो है वो जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं? याद रखिएगा, सलातु तस्बीह अगर आप पढ़ रहे हैं
और तदाई के साथ जमात कर रहे हैं तो बिल्कुल नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। साहिल, इनका सवाल है कि रोजे की हालत में टैबलेट्स खा सकते हैं या नहीं? नहीं खा सकते भाई, अगर रोजे की हालत में टैबलेट्स खाएंगे आप तो आपका रोजा टूट जाएगा। मलिक नवाज, इनका सवाल है कि रोजे की हालत में अगर ख्वाब में मनी निकल जाए यानी एहतलाम हो जाए, रोजे की हालत में सोया हुआ था, नाइट फेल जिसको कहते हैं वो हो जाए, तो इस सूरत में रोजा रहेगा या नहीं, क्या मसला है? बिल्कुल रोजा रहेगा भाई, कोई बात नहीं। रोजे में एहतलाम हो जाने से, ख्वाब में मनी के निकल जाने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरशद खान, इनका सवाल है क्या दुरूद के बाद जो दुआए मासूरा पढ़ते हैं तो वही दुआए मासूरा पढ़ना लाजिम है या उसके अलावा कोई दुआ दूसरी दुआ भी पढ़ सकते हैं? देखिए, बेहतर तो यह है कि वही दुआए मासूरा है वही पढ़ना चाहिए, बेहतर है। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लाजिम नहीं है, कोई और चीज आप और दुआ पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब तक वो दुआ आप याद नहीं किए कोई दूसरा पढ़ लें, उसके याद होते हुए भी दूसरी दुआ पढ़ेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप दुआए मासूरा पढ़ा करें। अंजल सोरी, इनका सवाल है कि इफ्तारी से पहले खवातीन मगरिब की नमाज अदा कर सकती हैं, यानी क्या मसला है? याद रखिएगा, इफ्तारी से पहले अगर वो मगरिब की नमाज अदा कर रही हैं और उस वक्त अदा कर रही हैं जब मगरिब की नमाज का टाइम अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, जब वक्त नहीं हुआ है उससे पहले आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर सूरज डूबा नहीं है, मगरिब की नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले औरत अगर मगरिब की नमाज पढ़ लेती है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, दोबारा पढ़ना जरूरी है। हाँ, अगर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ रही है यानी टाइम होने के बाद पढ़ रही है, ऐसी सूरत में बेहतर नहीं है इफ्तारी से पहले, क्योंकि पहले इफ्तारी करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मामूल यही था, पहले चंद कुछ चीजें खा लिया करते थे फिर उसके बाद जाकर नमाज पढ़ा करते थे, इसीलिए पहले इफ्तारी कर लें, रोजा खोल लें, फिर उसके बाद जाकर नमाज पढ़ें। मुकम्मल पेट भर के खाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें खा लें फिर नमाज पढ़ लें। फातिमा खान, इनका सवाल है कि बीवी की बड़ी बहन अगर नमाज में शामिल हो जाए तो पर्दा करना पड़ेगा या नहीं? यानी मियां बीवी चंद हजरात जो है जमात से नमाज पढ़ रहे थे, सब जो सब के सब महरम ही थे, कोई गैर महरम नहीं थी, और बीवी की बहन आकर उस जमात में शामिल हो जाती है क्योंकि वो गैर महरम है इसके लिए जो है अपने शौहर के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या मसला होगा? पर्दा करना पड़ेगा, जरूरी है क्योंकि गैर महरम, अगर औरतों में गैर महरम आ जाएं तो ऐसी सूरत में तो पर्दा का करना जरूरी है, वरना सबकी नमाज मकरूह होगी। और ये जो साली है यानी बड़ी बहन हो या छोटी बहन, जो भी हो, बीवी की बहन है, बीवी की बहन जो साली होती है ये गैर महरम है, महरम नहीं है। अब्दुल खान, इनका सवाल है कि 20 रकात जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं, क्या हर दो रकात के बाद नियत जरूरी है? क्या हर दो रकात के बाद सना पढ़ेंगे, क्या मसला है? आपका जवाब यह है कि बेहतर तो यह है, जो मुनासिब तरीका वही बता रहा हूं, तफसील नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा आपको जो सही तरीका बेहतर है। बेहतर यह है कि हर दो रकात में इमाम भी नियत करे, मुक्तदी भी नियत करें, यह बेहतर है। इमाम नियत करे मैं नमाज पढ़ा रहा हूं तरावी की दो रकात, या फिर मुक्तदी है तो नियत करें कि मैं इस इमाम के पीछे तरावी की नमाज पढ़ रहा हूं, अकेले हैं तो ये नियत करें कि मैं तरावी की नमाज पढ़ रहा हूं, इमाम के पीछे कहने की जरूरत नहीं है, ये इरादा कर लें, और हर दो रकात में करना बेहतर है, अच्छा है। और जहां तक आपके सना पढ़ने की बात है, सना जो है आप हर दो रकात में शुरू में जो पहली रकात होगी, दो रकात पढ़ रहे हैं उसके शुरू में जो पहली रकात है उसमें भी आप सना पढ़िए, उसके बाद सलाम फिरने के बाद जो दो रकात और पढ़ेंगे उसमें भी आप सना पढ़ा करिए शुरू की पहली रकात में, यानी हर नमाज की पहली रकात में सना पढ़ना ये बेहतर है, जरूर पढ़ा करिए, कि सुन्नत है। मोहम्मद आरिफ, इनका सवाल है कि अगर सहरी छूट जाए तो यानी आंख न खुल पाए किसी वजह से तो फिर रोजे का क्या मसला होगा? देखिए, अगर आपका इरादा पहले से था, रात में सोते वक्त आप इरादा कर चुके थे रोजा रखना है, सहरी करना है, किसी वजह से आपकी आंख नहीं खुली, कोई बात नहीं है, आप रोजा रखिए, खाना पीना मत खाइए, आपका रोजा बिल्कुल हो जाएगा, बगैर सहरी के भी आपका रोजा हो जाएगा। जानबूझकर सहरी छोड़ना यह गलत है, जानबूझकर जो आप छोड़े भी नहीं है, अनजाने में छूट गई है सहरी आपसे। हाँ, एक चीज और है, अगर आपका इरादा रोजा रखने का नहीं था तब जाकर सहरी आपसे अगर नहीं कर पाए, सहरी छूट गई है, ऐसी सूरत में निस्फुन नहार से पहले पहले, आधे दिन से पहले पहले, आधा दिन से यहां मुराद यह है कि जो सुबह सादिक है उसके बाद से लेकर तुलुए यानी तुलुए फज्र से लेकर सूरज के डूबने तक जो वक्त होता है उसका जो बीच हुआ है, दरमियाना वक्त है, उससे पहले पहले, ये वक्त जवाल से पहले पहले आता है तो वो निस्फुन नहार कहते हैं उसको, निस्फुन नहार से पहले पहले रोजे की अगर आप नियत कर लेंगे तब भी आपका रोजा हो जाएगा, बशर्ते के सुबह सादिक के बाद आपने कसदन कुछ खाया पिया न हो। सुमैया, इनका सवाल है कि लेकोरिया की हालत में नहीं, लेकोरिया अगर किसी को जारी हो तो इस सूरत में रोजा रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल रोजा रख सकते हैं भाई, कोई हर्ज नहीं है।
ज़ियाफ़त मलिक, इनका सवाल है कि क्या तरावी की नमाज में अकामत होती है? तरावी की नमाज में अकामत नहीं होती है, बग़ैर अकामत के तरावी की नमाज पढ़ाते हैं। दानिश, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज जब अकेले पढ़ते होंगे तो वितर से पहले पढ़ेंगे या वितर के बाद पढ़ेंगे? सही बात यह है कि पहले तरावी की नमाज पढ़ेंगे फिर वितर की नमाज पढ़ेंगे। अर्शिया, इनका सवाल है कि रोजे की हालत में किड्स का फिल्म देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते, नाजायज़ है, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नेहा खान, इनका सवाल है कि जो रोज़ा छूट गया है उसको कौन से महीने में रखना चाहिए? याद रखिएगा, जितने जल्द हो सके रखने की कोशिश करें, इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी भी महीने में आप रख सकते हैं। याद रखें, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। एक है ईद उल फितर का दिन, ईद का दिन। दूसरा है जो आपका 4 दिन और हैं वो अय्याम तशरीक हैं, यानी जिनमें तकबीर तशरीक कहते हैं, आप बकरीद के मौके पे देखे होंगे, वो जो 4 दिन है उनमें रोजा रखना हराम है। उसके अलावा आप जब चाहेंगे रख लें और जितने जल्द हो सके रखने की कोशिश करें, क्योंकि रोजा फर्ज है। सुहैब, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज में कौन कौन सी सूरा पढ़ना चाहिए 20 रकात में? याद रखिएगा, जो भी सूरा आपको याद है आप उसको पढ़ सकते हैं, इतना ख्याल रखें सूरा उल्टा न पढ़ें, कुरान उल्टा न पढ़ें, तरतीब से पढ़ें। अगर तरतीब से नहीं पढ़ पाते हैं तो एक एक जो सूरा है बीच में न छोड़ें, 2 सूरा आप छोड़कर एक सूरा पढ़ते हैं, 2 सूरा छोड़कर पढ़ सकते हैं, 3 सूरा छोड़कर पढ़ सकते हैं और 10-20 सूरत भी बीच में छोड़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सूरा अगर बीच में छोड़कर पढ़ेंगे, एक सूरा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक सूरा दूसरी उसके बाद वाली सूरा पढ़ते हैं, ये मकरूह है, इसका ख्याल रखें। वरना कोई सूरत मुतय्यन नहीं है कि तरावी में यही सूरा पढ़ना है, कोई भी सूरा आप कहीं से भी कुरान से पढ़ सकते हैं। मीनो जी, इनका सवाल है कि करंज का जो दातून होता है उसको कर सकते हैं या नहीं, यानी करंज की मिसवाक? बिल्कुल कर सकते हैं, रोजे में भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जायज है करना, कर सकते हैं। अय्यूब, इनका सवाल है कि वजू के बाद लुआब को निगलना कैसा है? क्योंकि रोजे की हालत में जो है हम जब कुल्ली करते हैं या फिर जो है वजू करते हैं, गुसल करते हैं, जो कुल्ली करते हैं, तो उसके बाद जब हम थूक वगैरह निगलते हैं कुछ पानी के जर्रात भी अंदर चले जाते हैं, उनको शुबा हुआ कि हो सकता है इससे रोजा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत बात है। सही बात यह है कि कुल्ली करने के बाद जो मुंह में पानी के जर्रात बाकी रह जाते हैं, अगर वो थूक के साथ मिलकर अंदर चले गए, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओएस, इनका सवाल है कि रोजे की हालत में अगर दांत से खून निकल जाए तो रोजे का क्या हुक्म होगा, रोजा होगा या नहीं? याद रखिएगा, अगर खून निकला है और उस खून को आप अंदर लिए नहीं है, पिए नहीं है, यानी हलक से नीचे आप उसको जो है अंदर दाखिल नहीं किए हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। उस वक्त फर्क पड़ेगा जब आप उसको खून को थूक के साथ लेकर अंदर चले जाएंगे, खा लेंगे यानी पी लेंगे थूक को उस खून के साथ, तब जाके मसला बनेगा। वो मसला एक अलग तफसीली बात है, जब जरूरत हो आप रब्ता कर सकते हैं, और वरना सही बात यही है कि खून के सिर्फ निकल जाने से दांत वगैरह से रोजा नहीं टूटता है। मैंने आप लोगों के सवालात के जवाबात मुख्तसर अल्फाज में दिया, इसमें और भी बहुत सारी तफसीलात हैं और बहुत सारे सवालात छूट भी गए हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबी वीडियो बन गई है, और जिन लोगों के सवालात छूट गए हैं वो डायरेक्ट रब्ता करें, कॉल के जरिए रब्ता करें। दिन में आप 2-2.5 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसके बाद फ्री हो जाता हूँ, इंशाल्लाह मुझसे बात भी हो पाएगी। और आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि तमाम के तमाम लोगों की भी इसलाह हो सके, सही मसले मसाइल वो भी जान सकें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़रूर जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस चैनल को MARB दीनी मालूमात चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।